जय शिव गुरु। घर का खाना विद आरती देवी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेला का भरुआ बनाएंगे। करेला का भरुआ बनाने के लिए 500 ग्राम करेला लिए हैं। इनको धोकर और अच्छे से कट कर लेंगे। करेला का भरुआ बनाने के लिए इस तरह से दोनों तरफ से कट कर देंगे और ये छिलका थोड़ा सा हटा देंगे। ज़्यादा छिलका नहीं हटाएंगे, इस तरह से थोड़ा कम छिलका हटाएंगे। छिलका हट गया है, अब दो टुकड़ा कर देंगे। इसी तरह से इन सब करेले को कट कर लेंगे और अच्छे से धो लेंगे। अब करेले को कट कर लिए हैं और अच्छी तरह से धो लेंगे और कुकर में रख देंगे। अब गैस को ऑन करेंगे। इसमें एक गिलास पानी रखेंगे, आधा गिलास और पानी रख दे रहे हैं, डेढ़ गिलास पानी रखेंगे, आधा चम्मच नमक रखेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर रखेंगे। ये हल्दी पाउडर और नमक रख के बॉईल करने से करेला ज़्यादा तीता नहीं लगता है। अब कुकर को बंद कर देंगे। अब दो सीटी लगने देंगे। करेला का भरुआ बनाने के लिए 4 मीडियम साइज का प्याज लिए हैं, 1 लहसुन लिए हैं, थोड़ा सा अदरक लिए हैं। इन सबको धोकर छोटा छोटा पीसेस में कट कर लेंगे। दो सीटी लग गया है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। अब कुकर हमारा ठंडा हो गया है। करेले को निकाल लेंगे। करेला हमारा बॉईल हो गया है। अब इस तरह से धीरे से इसका बीज निकाल लेंगे। इस तरह से सारा बीज निकाल लेंगे इन सब करेले का। ये सब करेले का इस तरह से छोटा छोटा पीस में प्याज को कट कर लिए हैं और अदरक लहसुन एक हरा मिर्च बारीक पेस्ट बना लिए हैं। करेले का बीज का पेस्ट बना लिए हैं। करेला का भरवा बनाने के लिए अब मसाला तैयार कर लेंगे। कढ़ाई हमारा गरम हो गया है। अब सरसों का तेल रखेंगे 1 बड़ा चम्मच। तेल को थोड़ा गरम होने देंगे। आधा चम्मच सौंफ रखेंगे, जीरा आधा चम्मच रखेंगे, सरसों आधा चम्मच। ब्राउन होने देंगे। अब फोरन हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब प्याज अदरक लहसुन और हरा मिर्च का पेस्ट सब रखेंगे। अब इस तरह से चलाते रहेंगे, हल्का ब्राउन कलर होने देंगे प्याज का। 1/3 हींग रखेंगे, फिर से चला देंगे। 1 चम्मच नमक रखेंगे। नमक अभी रख देने से प्याज हमारा जल्दी भुना जाएगा। अब प्याज हमारा हल्का ब्राउन कलर हो गया है। अब मसाला ऐड करेंगे। एक करेला का बीज का पेस्ट बनाए थे वो रखेंगे। गैस को लो फ्लेम पर रखेंगे, नहीं तो मसाला हमारा जल जाएगा। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर रखेंगे, 1 चम्मच आमचूर पाउडर रखेंगे। आमचूर पाउडर नहीं रहने से कच्चा आम रहता है तो उसका भी पेस्ट बना कर रख देते हैं, और आम कच्चा आम का सीजन नहीं रहने से आम का अचार का भी पेस्ट बना कर रख सकते हैं। करेला का भरवा में थोड़ा खट्टापन रहने से टेस्टी लगता है। 1/4 टीस्पून काला गोल मरीच पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 चम्मच मूंगफली का ये बारीक किया हुआ पाउडर। ये मूंगफली को भून कर फिर इसका पाउडर बना लिए थे। 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, कसूरी मेथी। अब हल्का पानी रखेंगे और मसाला को 5-6 मिनट भूनेंगे लो फ्लेम पर। अब मसाला हमारा भुना गया है। मसाला से तेल छोड़ देने से मसाला अच्छी तरह से भून जाता है। अब ढक देंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। अब ठंडा होने देंगे थोड़ा देर। अब इन मसालों को इस तरह से करेला में भर देंगे। बाकी का बचा हुआ है इन सब में भी भर लेंगे, थोड़ा थोड़ा मसाला रखकर। 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल रखेंगे। गैस के फ्लेम को लो ही रखेंगे। अब करेला रख देंगे फ्राई होने के लिए।
रख दिए हैं, एक मिनट के लिए ढक देंगे। गैस के फ्लेम को लो ही रखेंगे, ढक्कन हटा देंगे और एक एक करके सबको पलट देंगे, दूसरा तरफ से भी फ्राई हो जाएगा। एक तरफ से इस तरफ से हो गया है, अब दोनों तरफ फ्राई कर लेंगे। दूसरा साइड से भी फ्राई हो जाएगा, एक मिनट के लिए ढक दे रही हूँ। अब ढक्कन हटा के चेक कर लेंगे। अब करेला हमारा दोनों तरफ से फ्राई हो गया है, अब एक एक करके निकाल लेंगे एक प्लेट में। जैसे हो गया है, अच्छा से फ्राई हो गया है, अब एक एक करके निकाल लेंगे एक प्लेट में। और ये जो बाकी का बचा हुआ है इसे भी फ्राई कर लेंगे। अब करेला का भरुआ हमारा बनकर तैयार हो गया है, ये बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे रोटी चावल के साथ, पराठा पूरी के साथ भी खा सकते हैं। आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।